से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं, आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है, या फिर जब आप गा रही थी या आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से ही गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक़, मतलब शौक़ मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके फुल मतलब फुलफिल नहीं हुआ या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचते थे ज़रूर, लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिले या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनके मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज हुआ ना से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर, और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सनू निगम और फिर कुमार सानू, जो जो बड़े बड़े सिंगर है, या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी वो, तो कैसेट से रिवाइज कर करके मैंने जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन के सीखी हो। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करती थी, कर करके मैंने गाया, तो हाँ सभी गायक गायिका से, तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। और कुछ हिमेश जी ऑन योर लेफ्ट। रानू जी, मेरा सवाल आपसे है, रानू जी आपके लेफ्ट में, हेलो आपके लेफ्ट में, इधर रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को, कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ, उनके पास प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया, उन लोगों ने इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए, और फिर हमारी ये जो हिमेश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी, मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक, मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है, और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था, शायद
क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी। और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ। और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कि हमें उनका उन्होंने तो मेरे ही तपन दा हाथ उठाई यहाँ तक, उन्होंने मुझे छोड़ा इनके वजह से, जो हमें हेल्प किया। और अतेंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। एंड हमारे एक पुराना गाना है 36 चाइना टाउन, इनकी म्यूजिक है, तो उसमें मैं वो भी रीडू करता हूँ इनके साथ। तो मैंने नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ 3-4 गाने बना दो तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे अच्छी तरह से, तो वी आर बैकिंग हर, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आपका ऑफकोर्स मीडिया, वी नीड मीडिया सपोर्ट इन दिस, तो आप जितना प्लीज सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू। देखिए मेरी कैप वाली जर्नी में एक सच ये था कि अब क्या बोलूँ, बाल उड़ गए थे तो ये था, तो कैप लगा ली, उसके बाद आप लोगों ने हिट कर दिया, फिर गाने तो गाने का म्यूज़िक में तो मैं था ही, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो गया, तो फिर सब बाल आ जाते हैं यहाँ पे, तो आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो जाता है, तो आप लोगों की यू नो उससे ये भी अच्छा हो गया। उसके बाद सोनिया मुझे हमेशा ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें एक्टर लगना भी तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। और मेरी जर्नी बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है, मेरी जर्नी कोई आई वॉज अ बॉर्न म्यूजिशियन और अ प्रोड्यूसर और अ सिंगर, एंड देन एक रियलिटी शोज़ में मैं जज करने लगा, एंड आप लोगों को एक पॉपुलैरिटी आ गई, गाने बहुत सारे हिट हो गए सारे, बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डिलीवर एज एन एक्टर, और उसकी कोशिश मैंने शुरू की। बट अभी तो ये मेरी 10वीं फिल्म है, तो फर्स्ट फिल्म से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली, लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता गया, लेकिन मेन जहाँ पे बहुत बड़ा हाथ सोनिया का है उसमें, क्योंकि उसने मुझे कहा कि फर्स्ट यू विल हैव टू गेट इनटू फिटनेस, गेट इनटू वर्कशॉप्स, गेट इनटू द राइट जोन वेयर यू कैन प्रूव योरसेल्फ एज एन एक्टर। और कहीं ना कहीं इसीलिए जब एक्सपोज फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, इसका सीक्वल हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद 13 सुरूर आई जिसने मॉडरेट बिजनेस किया, तो मुझे कभी अच्छे रिव्यूज़ कुछ लोगों से मिले कभी नहीं मिले, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों, क्योंकि वो एक्टर की जो दुनिया है वहाँ पे मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ। लेकिन हैप्पी हार्डी हीर में 3 बजे जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है और आपको एक बहुत इम्प्रूव्ड एक्टर मिलेगा, ये मैंने कोशिश की है जितना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है, शी इज़ डन द स्क्रीन प्ले ऑल्सो फॉर द फिल्म, और मेरे डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें कहता है, दे टेल मी कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, सो इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर देन यू हैव टू डू अ ग्रेट जॉब एंड देन कम्पीट विद द बेस्ट, एंड आई हैव ट्राइड टू डू दैट इन हैप्पी हार्डी हीर, सक्सेस नॉन सक्सेस मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो 3 बजे, आई एम प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द एस्थेटिक्स, द सेंसिबिलिटीज ऑफ द फिल्म, एंड ट्रस्ट मी बस वो एक फ्राइडे की ज़रूरत होती है हर एक्टर को, वो एक फ्राइडे मुझे लगता है कब मुझे मिलेगा वो आप लोगों के। वाओ, लेट्स
हेलो सर, सेंटर प्रीति। मुझे आप कह रहे हैं जी, देखिए नेपोटिज्म में मुझे लगता ही नहीं है कि नेपोटिज्म या ये एक डिबेट, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स लाइक कि मैं यहाँ से 6 देख रहा हूँ, आप उसको 9 देख रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट हो गया। तो नेपोटिज्म क्या है, अगर कोई सुपरस्टार है या कोई सुपरस्टार फैमिली है जिसने इतनी मेहनत की है, अब उसका अगर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है तो उसमें उसका इश्यू होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो उस लाइन में अपनी कोशिश कर रहा है और उस वो जिस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे जो आता है। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैंने हैप्पी हार्डी हीर में अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ अच्छा, तो आप उसे ब्लॉकबस्टर दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फैमिली से एक सुपरस्टार एक्टर का बेटा अगर परफॉर्म करता है और वो मुझसे 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करता जैसे उसका बाप परफॉर्म करता है या उसके डैड परफॉर्म करते हैं, उसकी फैमिली ने परफॉर्म किया है, तो आप उसे वो ही चीज़ को कंपैरिजन में या एक्सपेक्टेशंस में उतनी शायद उसे वैल्यू नहीं देंगे। तो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। बट दूसरी तरफ जो एक नॉन फिल्म फैमिली में से आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये रियली लगता है कि उनके साथ जहाँ पर बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, एक चीज़ और जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है, और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। और हमारी इंडस्ट्री में दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सो वेल। सुपरस्टार्स के बच्चे भी सुपरस्टार्स हैं और बाहर से आया हुआ टैलेंट भी सुपरस्टार्स हैं। तो वही ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की और आप लोगों की कि आप फाइनली ऑडियंस, जैसे कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो इवेंचुअली ऑडियंस का डिसीजन राइट ही होता है। तो वो मैंने देखा है कि नेपोटिज्म की डिबेट कर लो, इश्यू कर लो, बात कर लो, लेकिन ऑडियंस तो अपना करेक्ट सिलेक्शन कर ही लेती है। जब रणबीर कपूर की कोई बात होती है तो कोई नेपोटिज्म की क्या बात है, लेकिन उन्हें भी तो डेफिनेटली ही इज गॉट अ ब्रेक बिकॉज ही इज फ्रॉम सच अ बिग फैमिली, बट दैट डजंट मीन ही इज लेस टैलेंटेड, ही इज अ सुपरस्टार। एंड जो नए तरीके से आते हैं वो भी हमने देखा है कि कितने बड़े स्टार्स बनते हैं। सो आई थिंक इट जस्ट को एग्जिस्ट, दैट इज़ इट।